जय हिंद फ्रेंड्स। सुबह कैसे उठा जाए ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। आज आप रोज सुबह उठते हो और फिर सो जाते हो। सो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की है और उसका मेरे ऊपर इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से मैं अब कह सकता हूँ मैं अर्ली राइजर हूँ। मैं अभी 5 AM क्लब में का मेंबर हूँ। अभी शाम को कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जो हमें करनी है, और इस टिप्स और इस प्रैक्टिस से हमें सुबह उठने में हेल्प मिलेगी। सो ये कौन कौन सी टिप्स हैं, आइए जानते हैं। टिप नंबर 1, पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि सुबह उठना क्यों है। बी स्पेसिफिक, आपको सुबह उठ के करना क्या है वो चीज आप प्लान करिए, और इस हिसाब से प्लान करिए कि डिटेल में हो। जब ये डिटेल लेवल की प्लानिंग होगी, आपका टारगेट क्लियर होगा कि मुझे सुबह उठ के ये सारी चीजें करनी है, तभी आपके माइंड में ये साइकिल चले होगा। आप इंटेंशन सेट कर लोगे, आप अपना टारगेट फिक्स कर लोगे, और ये सबसे पहली टिप है सुबह उठने के लिए। सेट योर इंटेंशन फर्स्ट, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द मॉर्निंग इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपकी जब भी आंख बंद होने वाली, आपको नींद आ रही है, उसी टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है। इस टाइम पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देनी है कि आपको इतने बजे उठना है, और मैं गारंटी के साथ 100% चैलेंज के साथ देता हूँ कि आपको जिस टाइम को फिक्स किया है, से फॉर एग्जाम्पल मैं 4:30 बजे उठता हूँ सुबह, ये 4:30 बजे मेरा माइंड मुझे जगा देगा। उसके लिए मुझे कोई अलार्म की जरूरत नहीं होगी, और 2 या 3 दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद 4th दिन अपने आप अलार्म बजने के पहले ही आप उठ जाएंगे। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दीजिए कि इतने सुबह उठ के मुझे उठा देना। तीसरा पॉइंट ये है, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर बेस्ट टाइम क्या है, स्लीपिंग कब से कब तक की जाए तो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी आपको ठीक लगता है, जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम की स्लीपिंग आपके लिए बेस्ट है, वो टाइम आप फॉलो करिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, तो एक काम करिए, एक फिक्स टाइम करिए डेली सोने का, और देखिए कितने बजे तक आपको नींद आती है। बट यहाँ पे आपको मोबाइल, आपको अपने स्मार्टफोन्स, आपको अपनी टीवी, अपने गैजेट्स से दूर रखना है। अपने आप को सोने की तैयारी करिए और नोटिस करिए कितने बजे आपको नींद आती है, और नेक्स्ट डे सुबह विदाउट अलार्म आप कितने बजे तक उठ सकते हैं। 3-4 दिन तक आपका वो जो टाइम पीरियड है, जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपके लिए वो आपका टाइम बेस्ट होगा। सो ये टिप नंबर है कि आप अपना टाइम फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। शाम को सोने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 1 ग्लास पानी पीजिए। अभी 1 ग्लास पानी पीने से क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको यूरिनेशन की अर्ज होगी, आपको यूरिनल जाना पड़ेगा, और उस अर्ज को पूरी करने के लिए आप अपने बेड से बाहर आएंगे, और जब आप अपने बेड से बाहर आएंगे तो आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी, आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी, आपका माइंड एक्टिवेट होगा, और एक बार बॉडी और माइंड एक्टिवेट हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि आप नींद से बाहर आ गए हैं। आप लोग जो अलार्म यूज करते हो वो स्मार्टफोन का अलार्म होता है, और स्मार्टफोन का अलार्म का बेस्ट यूज क्या है कि वो हमेशा आपके बाजू में रहता है। जैसे ही सुबह अलार्म बजा, आपने क्या किया, मोबाइल उठाया, उसको स्नूज कर। अभी अलार्म सेट करते टाइम कुछ स्मॉल स्मॉल टिप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि मैं अलार्म हमेशा 5 मिनट के इंटरवल पे रखता हूँ। इंटरवल के बाद जब अलार्म बजता है तो मुझे कंटिन्यूसली हर 5-5 मिनट पे उठना पड़ता है बेड से, और जब मैं 5 मिनट पे बेड से उठता हूँ तो उस टाइम पे मेरी स्लीप डिस्टर्ब होती है और अल्टीमेटली मैं वेकअप होता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको हैबिट बताई, शाम को जो प्रैक्टिस आपको करनी है, ये प्रैक्टिस आप करिए। बट मैं ऐसा नहीं गारंटी दे सकता कि एक दिन में ही सारी प्रैक्टिस आप कर पाओगे और नेक्स्ट डे से आप रेगुलरली मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दोगे। आपको काइजेन का 1% इम्प्रूवमेंट प्रिंसिपल याद रखना है, जहाँ पे आपको डेली 1 स्टेप आगे बढ़ते जाना है।
और धीरे धीरे जो हम 21 डे हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये 21 डे हैबिट फॉर्मेशन ज़रूर होगा और आप अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली वो एक वीक के बाद नोटिस करने लगोगे। ये वीक के बाद जब नोटिस करोगे धीरे धीरे ये और आगे बढ़ते जाएगा और 21 डेज में आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े होके आप बोल सकते हो कि मैं भी 5 AM क्लब में, मॉर्निंग क्लब में ज्वाइन हो चुका हूँ। सो अभी तक हमने बात की कि हम शाम को क्या प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ अब मैं बात करूंगा आप सुबह उठ के क्या प्लानिंग करोगे। सो सुबह उठ के आपको क्या प्लानिंग करनी है, सुबह उठ के आपको रोबिन शर्मा के जो 20-20-20 प्रिंसिपल है इसके बारे में फोकस करना है। अभी ये 20-20-20 प्रिंसिपल है क्या? सो 20-20-20 प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने जो एक घंटा सुबह का होता है उसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करिए, तीन 20-20-20 पार्ट्स में। नाउ पार्ट वन में आपको क्या करना है, पार्ट वन में आपको मेडिटेशन, आपको विजुअलाइजेशन, आपका जो मेंटल एक्सरसाइज है उस मेंटल एक्सरसाइज पे फोकस करिए। पार्ट टू नेक्स्ट 20 मिनट में आपको राइटिंग वर्क करना है, ये क्रिएटिव राइटिंग वर्क होना चाहिए जिसमें आप अपने थॉट्स, आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं वो आप लिखोगे। और नेक्स्ट 20 मिनट्स आप डेडिकेट करिए HIIT एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। हम बोलते हैं हमें एक घंटा एक्सरसाइज करना है, कोई बोलता है मुझे दो घंटा एक्सरसाइज करना है। आप एक्सरसाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं बट अगर आप मिनिमम 20 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी बॉडी को इतना सुपर चार्ज कर देता है, आपकी बॉडी में इतना एनर्जी भर देता है कि आपकी बॉडी हेल्दी रह जाती है पूरे दिन में कोई भी चैलेंज को फेस करने के लिए। सो ये रॉबिन शर्मा के 20-20-20 प्रिंसिपल, 20 मिनट ऑफ मेंटल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, 20 मिनट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिसेस एंड 20 मिनट ऑफ HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये आप मॉर्निंग के 1 आवर में कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा के 5 AM प्रिंसिपल को आप फॉलो करके आप अपना 1 आवर रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 1 आवर नहीं है, अगर आप यही प्रैक्टिस करें तो आप 5 बजे की जगह 4 बजे उठ सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने बजे उठना है और उसके लिए उस पहले की रात को आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अभी सुबह जल्दी उठने का फायदा क्या होता है, सुबह जल्दी उठने से आपको पर डे 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा मतलब हर वीक के आपको 7 से 10 घंटे एक्स्ट्रा मिले। जैसा कि कहा जाता है बड़े टास्क को अचीव करने के लिए शुरुआत छोटी होनी चाहिए, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये अगर ये अपना एक्स्ट्रा 1 मंथ चाहिए तो आपको शुरुआत 1 घंटा जल्दी उठने से करनी होगी। हमारे बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनकी मॉर्निंग हैबिट क्या है उसको फॉलो करिए, देखिए आप में क्या इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो एक स्मॉल टिप मैं देना चाहूंगा जो डेफिनेटली वर्क करता है कि जब भी आपकी लगता है कि अभी आपको उठना है स्टार्ट काउंटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ये बेल नॉडिंग्स के एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। अभी रिवर्स काउंटिंग कैसे करना है, रिवर्स काउंटिंग आपको 10 काउंट करना है। अभी ये 10 काउंट आप 30 से स्टार्ट करिए, 21 पे खत्म करिए या 49 से स्टार्ट करके आप 41 पर फिनिश करिए, 40 पर फिनिश करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन यहाँ से बिकॉज ऑफ द रिवर्स काउंटिंग आपका माइंड चार्ज होगा, रीएक्टिवेट। सो हमेशा ध्यान रखना कि आपको मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग में उठना है और अपने आप को चैलेंज करना है। यहाँ पे आपको अपना विल पावर, अपने आप को कितना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपने आपको चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं तो एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम दीजिए। जिस दिन आप अपने चैलेंज को अचीव करते हैं, जिस दिन आप सुबह 5 बजे उठते हैं उस दिन अपने आप को एक पॉजिटिव रिवॉर्ड दे दीजिए, जैसे कि आज सुबह मैं 5 बजे उठा तो आज मैं एक एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क खाऊंगा, और जिस दिन मैं लेट उठा उस दिन मैं एक कड़वी कॉफी पीऊंगा। सो इस तरह से आप जिस दिन पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रिवॉर्ड दीजिए, जिस दिन आपने वो टारगेट मिस किया है उस दिन आपने आपको नेगेटिव रिवॉर्ड करिए, बट रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके चलो इसी बात पे आज का ये सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जय हिंद।